कौन है? रुक्मिणी, जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने साफ साफ मना किया था कि यहां मत आना, फिर भी इतने सारे कॉल्स किए, तुम फोन नहीं उठा रहे थे, तो क्या करती? आना पड़ा। आइंदा मुझे कभी फोन मत करना, क्योंकि पुलिस ने अगर चेक किया और उसमें तेरा नंबर निकला तो हम दोनों फंसेंगे। अब आ ही गई हो तो बताओ क्यों आई हो? दिलीप पटेल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। हाँ तो? दिलीप पटेल की डीएनए रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव है। बॉडी ज्यादा जली हुई थी इसलिए डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। बॉडी से जो घड़ी और ब्रेसलेट मिला है वो दिलीप का है। हाँ, लेकिन डीएनए टेस्ट से तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी ना। क्या हुआ, होश क्यों उड़ गया अचानक? डीएनए टेस्ट की रिजल्ट नहीं आया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। 100% श्योर नहीं हो सकते कि वो बॉडी दिलीप की है। लेकिन ब्रेसलेट और घड़ी तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। इतना काफी नहीं है। तुम दिलीप को नहीं जानती, वो बहुत शाना है। हैदराबाद की जेल में भी जब आग लगी थी तो वो अपनी रक्षा पोटली किसी और के हाथ में पहना के भाग गया था। सबको लगा था कि दिलीप मर गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि दिलीप ने फिर से वैसा ही किया होगा? जो मरा है वो दिलीप नहीं है, दिलीप बच गया। फिर ये बॉडी किसकी थी? संतोष, हम खेल खेलने गए लेकिन लगता है हम ही उस खेल में फंस गए। ये मामला जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है। अब तुम्हें फोन करूंगी तो फोन उठा लेना, हर बार पर्सनली बताने नहीं आऊंगी। चलती हूँ। भाई एक्सक्यूज मी, ये अल्टामाउंट स्ट्रीट यही है क्या? दिलीप के बेटे मुझसे मिलने क्यों आए हैं? हेलो, हम मिस्टर दिलीप पटेल के बेटे हैं। पापा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कहीं आग वाले मामले में इन लोगों को कोई हिंट तो नहीं मिली? अश्विन, चिराग, राइट? आई नो, दिलीप अक्सर तुम लोग की बातें करता रहता है, तो जैसे तुम लोगों ने बोला कि तुम लोग दिलीप के बेटे हो, मैं समझ गया। प्लीज कम, अपने घर समझो। आओ आओ आओ। थैंक यू, कम प्लीज। क्या लोगे, चाय कॉफी? कुछ नहीं, थैंक यू। ओके, दिलीप और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी हैदराबाद जेल में। मैं भी सीमेंट घोटाले में जेल गया था। वैसे मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, मैं तो सिर्फ एक सप्लायर था। अचानक से जेल में एक दिन आग लगी और हम सबको यही लगा कि दिलीप उस आग में जल के मर गया। और कुछ लोगों का ये कहना था कि दिलीप वहां से चकमा देकर के विदेश भाग गया। और अचानक इतने वर्षों के बाद मुंबई की सड़कों पर एक दिन मैंने दिलीप की कैब पकड़ी। What a coincidence! I was so glad to see him. अब दिलीप भी रात में ही कैब चलाता है, पर मैं भी अक्सर ऑफिस में लेट हो जाता हूँ रात को, तो फिर दिलीप की कैब पकड़ता हूँ। ऐसे में दो बातें भी हो जाती हैं। मैंने उसे एक दो बार ऑफर भी दिया कि वो मुझे ज्वाइन कर ले, लेकिन वो हर बार मना कर देता है। वो यही कहता है कि नहीं, मैं मेहनत करके कमाऊंगा अपने बच्चों की खातिर। वो तुम लोगों की बहुत बातें करता है, तुम दोनों की और तुम्हारी छोटी बहन। अरे उसे भी साथ में लेके आना था ना,
तुम लोगों में उसकी जान बचती है। What happened? Is everything all right? वो तो आग, चलो सब भागने चलो, भागो यहाँ से। मम्मी, इट्स नो मोर। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उनका कोई दुश्मन था जो उन्हें जान से मारना चाहता हो? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी जिससे ये पता चले कि कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। वो ज्यादा बोलता भी तो नहीं था। हाँ, एक दो बार उखड़ा उखड़ा सा था तो मैंने उसे कुरेदने की कोशिश की थी ताकि ये पता चल सके कि वो क्यों परेशान है, पर खास कुछ उसने बताया नहीं। हाँ, एक दो बार उसने ये कहा था जरूर कि उसके रास्ते का एक ही कांटा है। क्या नाम बताया था? जगत जीवन में जुगल, हाँ जुगल नाम दिया था उसने। अगर ऐसे रोना है ना तो यहां मत आया कर। तो बिल्कुल फिक्र मत कर रहा जुगल, एक बार तेरी बेल हो जाए बस। मैंने देवी सिंह जी से बात कर ली है, वो ऑस्ट्रेलिया में है ना, इसलिए उनके असिस्टेंट से बोलकर तेरी बेल एप्लीकेशन करवाई है। वो भी कुछ दिन में आ जाएंगी, मैंने उन्हें सब समझा दिया। चिंता मत करना, तुझे कुछ नहीं होगा। तू रोना बंद कर, रोना बंद कर। राशि को कुछ गलत फहमी हुई है, मैं सच कह रहा हूँ, उसने जो देखा वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। क्यों बार बार सफाई दे रहे जुगल? मैंने तुझे कहा था तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने एक बार और सफाई दी ना तो तू रास्ते का कांटा। जुगल जी के बारे में ऐसे बात की? दिलीप, तुम्हारी मम्मी और तुम लोगों के साथ फिर से पहले की तरह रहना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में हमेशा वो जुगल आ जाता है और जुगल तुम्हारी मम्मी के साथ ज्यादा रहता है ना? दोनों साथ में काम करते हैं शायद, और दिलीप उन्हें देखकर काफी दुखी होता था। इस बात को लेकर के एक दो बार हाथापाई भी हुई थी तुम्हारी मम्मी को लेकर के उन दोनों के बीच में। हाथापाई? हाँ, ये बात किसी को पता नहीं है अब, लेकिन दिलीप ने जितनी बातें मुझे बताई उस आधार पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर उसका कोई दुश्मन था जो उसकी जान ले सकता था तो वो जुगल ही है। एटलीस्ट मुझे ऐसा ही लगता है। जुगल जी को तो पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। राशि का कहना है कि जुगल अंकल ने मारा है मेरे डैड को, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका मतलब मेरा शक सही है, यानी कि एक सीधे साधे इंसान को अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसने आग में जलाकर मार डाला, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहा था। नहीं जुगल जी, ऐसा नहीं कर सकते। वैसे नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एनीवे, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, जुगल जी की बेल हियरिंग है। थैंक यू, चलो। रुको, मैं भी चलता हूँ। चल। अगर भगवान भी आकर मुझसे कहेगा ना कि तूने ऐसा कुछ किया है, मैं तब भी नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है।
रासी ने क्या देखा, क्या समझा, मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है। तूने दिलीप को नहीं मारा और तू उसकी सजा नहीं भुगतेगा। बस अगर तुझे किसी को मार नहीं होता तो तू सुमरा और अपने बच्चे का बदला कब का ले चुका होता। वीरेंद्र सिंह तलवार आज तक जिंदा है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है जो कल कि तू कभी किसी को मार ही नहीं सकता। और ये बात अगर कोर्ट में भी कहनी पड़े ना तो भी मैं कहूंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। निकाल इसे। चलो थोड़ा सा खा लो प्लीज, भूख नहीं है। राशि प्लीज थोड़ा तो खा ले, इसे बिना खाए कैसे चलेगा, इस तरह तो तू खुद बीमार पड़ जाएगी। मुझे नहीं खाना। आप सब लोग मुझसे नफरत करते हो ना कि मैंने चुगल अंकल का नाम पुलिस में दे दिया, बट बिलीव मी कि वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। चुगल अंकल ने मेरे डैड को आग में धक्का दिया था। आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा, वो मेरा बैड लक है, लेकिन मैंने देखा है। ठीक है ना राशि, जो तुमने देखा उसमें से तुम्हें लगता है ये सब चुगल जी ने किया है। हमने नहीं देखा इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे नफरत करेंगे। मैं उसी दिन उसी समय पर क्यों आई पाटन से, बाद में भी तो आ सकती थी ना। मैंने क्यों देखा वो, आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे वही चीज देखने के लिए उसी दिन और उसी टाइम पर भेजा, और अब जब देख लिया है तो देखने के बाद कैसे जाने दूं इसे। डैड के साथ चीटिंग नहीं हो जाएगी वो। आप लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मुझे अच्छा लगता है कि चुगल अंकल को ऐसे जेल भेजना, आप लोगों के और मम्मी के खिलाफ जाना, लेकिन मैंने अब देखा है वो। I swear दीप्ति भाभी, मैंने देखा है वो खुद अपनी आंखों से। अरे तुम शांत हो जाओ प्लीज प्लीज। ये मामला कोर्ट में आ गया, सच्चाई आ जाएगी बाहर। तुम अपना दिल छोटा मत करो प्लीज। हाँ अश्विन। हेलो दीप्ति, मैं और चिराग कोर्ट जा रहे हैं। मैं भी पहुंचती हूँ। नहीं, मम्मी भी कोर्ट गई है, तुम घर पे रहो। राशि की हालत हम सब जानते ही है ना। ठीक है अश्विन, मुझे इन्फॉर्म करते रहना वहां जो कुछ भी चल रहा है। ओके बाय। राशि थोड़ा सा खा लो प्लीज। पुष्पा जी हम तैयार हैं, नथिंग टू वरी।
ये पापा के दोस्त हैं। प्लीज बी सीटेड। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर जुगल सेतलवाड ने मिस्टर दिलीप पटेल को क्यों मारा, क्या मोटिव था, इस सब की छानबीन के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मिस्टर जुगल की जमानत रिजेक्ट करके उन्हें पुलिस कस्टडी में ही रखा जाए। That's all, Your Honor. करनी मेरी और भरनी जुगल के। अगर जुगल को सजा मिल जाती है तो मैं सेफ हो जाऊंगा। Your Honor, पुलिस ने यह अरेस्ट राशि पटेल के बयान के बिना पर की है। उनका कहना है कि जुगल सेतलवाड़ ने दिलीप जी को आग में धक्का दिया, पर यह उनकी गलतफहमी भी हो सकती है। Your Honor, वहां पर आग लगी थी, काफी कैओस था, हड़बड़ी मची थी। अब ऐसे में कौन किस हालत में है ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है सर, और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर कोई क्लियर ठोस एविडेंस नहीं है अभी तक, और ना ही कोई कंक्लूसिव डीएनए एविडेंस है हमारे पास। योर ऑनर, आग की लपटों के कारण जो धुआं उठता है उसमें विजिबिलिटी भी कंप्रोमाइज होती है। अब उस भागा दौड़ी में किसने किसका हाथ पकड़ा, क्या हुआ, वो कैसे पता चल सकता है। एक लड़की जो अपने पिता की मौत के गम में इमोशनली इन्वेस्टेड है, हो सकता है कि वो भावुक होकर ये स्टेटमेंट दे रही हो। उसने जो कुछ भी देखा सुना वो उसका इंटरप्रिटेशन भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। योर ऑनर, हमने टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे किए हैं। जुगल सेतलवाड़ एक निहायत शरीफ और अच्छे आदमी हैं, और ऐसा किसी एक का नहीं बल्कि हर एक चौल वालों का कहना है। सायन के कॉरपोरेटर जो उनके पड़ोसी हैं उनका बयान भी इसमें शामिल है। योर ऑनर, पुष्पा जी राशि पटेल की मां और दिलीप जी की एक्स वाइफ, उनका मानना भी यही है कि जुगल जी का इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता। जुगल सेतलवाड़ का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही कोई कैरेक्टर फ्लॉ, वो यहां मुंबई में है और कहीं जाने की संभावना भी नहीं है। ये उनका एफिडेविट है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि जो गुनाह अभी साबित नहीं हुआ है, जो घटना एक हादसा भी हो सकती है, उसके लिए जुगल सेतलवाड़ को कस्टडी में ना रखकर जमानत पे छोड़ दिया जाए। मेरे क्लाइंट तहकीकात में पूरी तरह से कॉपरेट करेंगे। The court will resume after lunch. लगता है हो जाएगी, मेल हो जाएगी। तूने कुछ खाया कि नहीं? तुझे सुशीला के साथ होना चाहिए था बापोदरा, तू कहाँ है? सुशी का पति हूँ तो तेरा समधी भी हूँ और दोस्त भी, चाल का मेंबर हूँ, चाल का मालिक हूँ और कॉर्पोरेटर भी। हर महीने में बापोदरा को इधर ही रहना चाहिए तेरे साथ। तू चाय पीना। संतोष जी कहाँ रह गए? हाँ मंगल, बोल। मैं गया था प्रकाश गोड़के के घर पर, उसकी बीवी ने कहा 2-3 दिन से घर नहीं आया हो, और वो भी बहुत परेशान थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो उसे ही बाहर निकलना था, उसी ने सिग्नल दिया था कि पार्टी में सभी बिजी हैं। बिल्कुल क्लियर बोला था उसने कि मैं वहां से निकल रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं अंदर की दौड़ भाग में बाहर आ ही नहीं पाया हो, या फिर होटल स्टाफ ने पहचान लिया हो और अंदर ही फंस गया हो? तो क्या प्रकाश भी उस आग में, जो लाश मिली वो दिलीप की नहीं?
अरे बाप रे, तुरंत घर पे मिलो। दिलीप ने फिर से वही तो नहीं किया जो उसने हैदराबाद जेल में किया था? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.